अब बचा आपका दूसरा, ये वाला। ठीक है, ये यूएसबी आपका, हर एक टीवी में यूएसबी स्लॉट होता ही है। ठीक है, बैक साइड में आप लगा दीजिए, ये आपका, ये यूएसबी में ये रेडी हो गया। यानी यूएसबी एक पीछे टीवी के लग गया, ठीक है, और एक एचडीएमआई का जो आपको स्प्लिटर मिला है वो स्प्लिटर यहाँ लग गया। ठीक है, और ये पूरा के पूरा सेटअप हमको सिर्फ खाली ये चीज़ याद रखनी है, ये ब्लूटूथ इसमें ही लग जाएगा आपके डोंगल में। ठीक है, और इसका पावर का कनेक्शन वो भी यहीं लग जाएगा। सिर्फ जब आप निकालते हैं, यानी जब आप टीवी में लगाने के लिए आते हैं, तो आपको ये पूरा सेट ऐसा रेडी करके ही लेके आना है। जैसे कि ये है, ये पूरा रेडी करके लेके आना है, और डायरेक्टली आपको ये दो पिंस को इसमें लगा देना है। ये दो पिंस को डायरेक्ट टीवी में लगा देना है, ये पूरा सेटअप रेडी ही करके रखना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, उसमें कुछ हार्ड नहीं है, बराबर। तो इतना ही करना है, अब बाकी की चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। इसके अंदर वायरलेस कंट्रोलर आते हैं, दो कंट्रोलर आते हैं, ये देखो इसके अंदर दो वायरलेस कंट्रोलर आएंगे। ठीक है, पीछे बैटरी लगानी होगी आपको, यहाँ पर पीछे दो बैटरी लगेगी, वो लगा लेने की। बहुत ईजी है सेटअप, यहाँ पर दो स्मॉल बैटरी आएंगी, यहाँ पे ही आपको लगाना है। बैटरी की साइज़ भी बहुत कॉमन रहती है, जो हमारे एसी के रिमोट्स में जो बैटरीज लगती हैं, बस वही बैटरीज इसमें लगेगी। दो वायरलेस कंट्रोलर आएंगे,